share, subscribe. It's all about dancing love. Hey friends, what's up? क्या हाल आप सबका? आज का रिएक्शन मैं जो देने वाला हूँ मूवी राम कहानी है. और राम कहानी इट्स न्यू नेपाली मूवी ट्रेलर और 1 मिलियन से ज़्यादा इसके व्यूवर्स हैं और अगस्त में ये प्रमो किया गया था ट्रेलर. और इसमें जो कैरेक्टर है आकाश श्रेष्ठा पूजा शर्मा केदार गिरिमे आकाश श्रेष्ठा. और ये मूवी मुझे कहा गया लाइक रिएक्ट करने के लिए मेरे फेसबुक फ्रेंड रोशन ने जो स्क्रीन में दिख रहा है. और ये वीडियो स्टोरी जो है वो बताया है कि इट्स अ लव स्टोरी और इसके साथ इसमें कॉम्प्लिकेशंस है. और इस बार कॉम्प्लिकेशन ना विलन का है ना फैमिली मैटर है, इसमें भूत का है, यू नो गोस्ट. यानी कि मेरा पहला पार्ट सुन के इसलिए जो मैंने रिएक्ट किया था उसके बाद ये मेरा सेकेंड रिएक्शन होगा जो कि मैं गोस्ट वाले इसी मूवी ट्रेलर पर रिएक्ट करने वाला हूँ. लेट्स वॉच दिस वीडियो ट्रेलर एंड एन्जॉय. और जिन्होंने नहीं देखा मेरे साथ देखिए. कैमरा ऐसे है क्या? वन टू थ्री अप्ले करता हूँ. मलाई त त्यो टिभीमा हेरेको रामायणको कथा पो याद आउँदैछ त. यो कुनै रामायणको कहानी होइन, यो रामको कहानी, राम कहानी. ठुला ठुला आँखा अनि त्यो आँखाभित्र सानो सानो खुसी. मलाई यसरी नै सधैँ बढी नजिकबाट हेरिराख है राम. मलाई तिम्रो होमस्टेमा जिन्दगीभर बास बस्न दिन्छु. जहाँ राम्रो आउँछ त्यही मायाको आफ्नो संसार हुन्छ. सुत्नु मन पर्यो भन्दैमा भुत्नीसँगै सुत्ने त्यो माया होइन, मायाको छाया मात्र हो. यो लभ स्टोरी त अचानक हरर स्टोरी जस्तो हुँदै आयो त. म अन्य विश्वासमा विश्वास गर्दिन, लजिकमा विश्वास गर्छु. लजिक खोज्दै यार, यिनीहरूले चाहिँ तेरो हड्डी खोज्ने दिन आउँछ. तिमीलाई मसँग डर लाग्दैन? तिमीलाई कुमाउँछु कि भन्ने डर लाग्छ. के टी भनेकै बुझ हो, GIRL घोस्ट इन रियल लाइफ क्या. अनि एकचोटि हान्न मिल्ला? हजुर बुढी लाइफ भन्ने. अब धामिनलाई हुँदैन. जिउँदो र मुर्दाको बिहे भएको देखाएछ कहिले? त्यो मायाको आत्मा हो, भटक भटक भट्किरहेको, तँलाई सँगै लिएर जानलाई. मेरो राम कहानी अझै बाँकी छ साथी हो. स्त्री दुई प्रकारका हुन्छ र दुइटैले पोल्छन्. एउटा साडीमा लाउने स्त्री त्यसले बाहिर च्यास्य पोल्छ, अर्को साडी लाउने स्त्री त्यसले भित्र भट भट पोल्छ. हे कागती, मान्छे सिलिम पार्ने पनि तै, आज यहाँ भूत चिलिम पार्ने पनि तै. तिमीहरूले चाहिँ जिउँदो मान्छेलाई भूत बनाएर अनेक कथा सुनाउनु हुने, मैले चाहिँ कथा सुनाउनु हुने? माशाला भदौ 22 गते आइज, देखाउँछु तिमीहरूलाई. परसों ही मैंने स्त्री मूवी देख के आया, होप यू पीपल नो स्त्री अभी रिलीज हुई है फ्राइडे को. और ये मूवी भी आई थिंक सिमिलर टू दिस था, उसमें ये भी है लव स्टोरी है और कॉमेडी, लॉट्स ऑफ कॉमेडी एंड इमोशनल था कि शी नीडेड रिस्पेक्ट. बुरा नहीं, कुछ नहीं बोलता, बट आप स्क्रीन में जैसे देख रहे हैं मैं थोड़ी सी फोटोज दिखा रहा हूँ ना, तो आप वो देखिए क्योंकि ये स्त्री मूवी जो है ये
सीरियसली बोलूँ अब अभी ये जो आप ट्रेलर देख रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है समहाव ऐसी ही है ये भी जो स्त्री में देख के आया हूँ। अभी ट्रेलर पर डिपेंड जो देखा मैंने अभी नेपाली मूवी तो अभी आप जो देख रहे हैं स्त्री मूवी में मैं जो देख के आया वो मूवी बहुत अच्छी थी विद कॉमेडी एंड स्कैरी सब था और वो भी मेरे को बहुत मज़ा आया। और अभी ये जो मूवी ट्रेलर देख रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है काश ये यहाँ पे ये भी रिलीज़ हो जाती, सेप्टेम्बर में रिलीज़ हो रही है 7 सेप्टेम्बर में तक, आप लोग के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये, तो आप प्लीज़ जाओ जाके देखिए ऐसी मूवी और जो भी मूवी लगती है जो आपको समझ में आती है आप देखिए और इन्जॉय कीजिए। मैं इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, स्त्री को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट येस यू कैन वॉच दिस मूवी बिकॉज इट्स एंटरटेनिंग और बहुत अच्छी है और मैं स्टोरी नहीं बताऊँगा, आप जाके देख लीजिए एंड इट्स गुड एंड होप कि हर कमेंट में आप बताओगे मुझे मूवी कैसी रही क्योंकि अभी मूवी बहुत आने वाली है एंड द कैरेक्टर जो इसमें हीरोइन है पूजा शर्मा, अच्छा उसी की तो प्रेम गीत में जो मैंने जो मूवी देखा लैपटॉप में देखी मतलब यूट्यूब में देखा था मूवी है प्रेम गीत तो उसमें भी है ये कैरेक्टर इसके साथ अपना प्रदीप के साथ। मुझे ऐसे ट्रेलर बहुत अच्छे लगते, मुझे लाइक हॉरर विद कॉमेडी विद एक्शन एंड ऑल सब सब क्लब होके होगा ना तो सच में बहुत अच्छी लगी। ये स्त्री मूवी भी वैसी थी मैं तो बता रहा हूँ, देखने मत भूलना मुझे अच्छी लगी और मुझे प्लीज़ अपडेट देते रहना, मेरे को जो देखना था मैंने देख लिया एंड आई एंजॉयड इट एंड होप यू पीपल विल एंजॉय बाय वॉचिंग कंप्लीट मूवी ऑन September 7th। ठीक है एनीवे गाइस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, कीप ऑन लाइकिंग माय वीडियो एंड अगर हो सके अच्छी लगी तो शेयर कर लीजिए, इट्स नॉट शेयर हाँ शेयर कर लीजिए, शेयर कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और एंजॉय करते रहिए। बाय, जय माता दी, सत श्री अकाल, सब पे और उला, नमस्ते।